जय हिंद। 16 जनवरी को वैक्सीनेशन शुरू होने से लेके इन 85 दिनों में देश के 130 करोड़ में से सिर्फ 10 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगी है और इन्हीं में से एक आध करोड़ को दूसरी डोज भी लगी है। हेल्थ राज्यों का विषय यानी स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन वैक्सीन की सप्लाई पर राज्यों का कोई हक नहीं है। पूरा वैक्सीन मिशन पहले दिन से ही केंद्र संचालित है और इसीलिए राज्यों को अपनी जरूरत के लिए केंद्र के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। मुद्दों के इम्प्लीमेंटेशन में हर बार फेल रहने वाली सरकार को न तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट की समझ है और न ही डिवीजन ऑफ लेबर की। सरकार कहती है कि वैक्सीन स्टॉक में है, लेकिन हकीकत यह है कि महाराष्ट्र, ओडिशा और उत्तर प्रदेश से वैक्सीन के स्टॉक आउट की खबरें हैं और बाकी राज्यों में भी स्थिति अच्छी नहीं है। ऐसे में सरकार की वैक्सीन डिप्लोमेसी या एक्सपोर्ट एक सही निर्णय है क्या? भारत के अपने 90% से ज्यादा नागरिक वैक्सीन से वंचित हैं, लेकिन सरकार ने कुछ देशों को कमर्शियल एग्रीमेंट और कुछ देशों में मदद के नाम पर मुफ्त में वैक्सीन का एक्सपोर्ट किया है। ह्यूमैनिटेरियन एंगल से वर्तमान सरकार वैसे भी देश को नाउम्मीद करती है। कड़ाई और दवाई जैसे जुमलों के बीच हम नागरिकों का केवल चुनावी इस्तेमाल होता है। पता नहीं कब हम वेलफेयर स्टेट के रोल से बाहर आ चुके हैं, यानी अब नागरिक हित सबसे पीछे है, सत्ता के चुनावी हित और कॉरपोरेट हित सबसे आगे। कोरोना की यह दूसरी लहर बहुत ज्यादा घातक है। पिछले 24 घंटों में हमने अपने परिवार के एक अभिन्न सदस्य को कोविड के कारण खो दिया है, इसीलिए मन बहुत व्यथित है। देश के लोगों के लिए सरकार का कैजुअल एटीट्यूड बेहद डराने वाला है। अगर केंद्र सरकार को अपने लोगों की चिंता है तो अब तुरंत प्रभाव से वैक्सीन के एक्सपोर्ट को बंद करके भारत के लोगों के लिए उसकी 100% उपलब्धता पक्की करना चाहिए। वैक्सीन उत्सव या टीका उत्सव जैसी लफाजियों को छोड़कर मिशन वैक्सीन को डिसेंट्रलाइज करते हुए एक स्पेसिफाइड टाइमलाइन के अंदर पूरा करना चाहिए। ध्यान रहे, यह मिशन है, सेलिब्रेशन नहीं। जय हिंद।